जय श्री राम दोस्तों, मैं सूरज कनोली और आप देख रहे हैं टेक्निकल मैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सोलर एनर्जी वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट वेव। तो फ्रेंड सन से आने वाली जो लाइट होती है उसकी तीन फॉर्म होती है, पहली अल्ट्रावायलेट, दूसरी विजिबल एंड तीसरी इंफ्रारेड। तो फ्रेंड जो यूवी रेज होती है वो सिर्फ 0.07% ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है, क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस की तरफ। जो विजुअल लाइट होती है वो हमें हेल्प करती है चीजें देखने के लिए। तो फ्रेंड जिसकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं वो है विजुअल लाइट। तो फ्रेंड जो इंफ्रारेड होती है वो हमें हीटिंग इफेक्ट देती है। तो फ्रेंड जो इसके बाद सवाल आता है वो ये सवाल आता है कि हम सोलर एनर्जी को कैसे यूज करें। तो फ्रेंड हम सोलर एनर्जी को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को यूज करने का वो ये है कि अगर हम सोलर एनर्जी को चेंज कर दें इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं जैसे हम चाहें। अगर हम चाहें तो उसे अपने होम अप्लायंसेस को चलाने में भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत चीजें जिसके लिए हम उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे बोलते हैं सोलर पैनल। तो फ्रेंड अगर हम सोलर पैनल के फिनोमेना के ऊपर बात करें तो सोलर पैनल में सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक प्लेट लगी होती है, जो मटेरियल है वो होता है सिलिकॉन। तो फ्रेंड जब सन से फोटोन आता है उस प्लेट के ऊपर गिरता है, फ्रेंड बेसिकली फोटोन एक बंडल ऑफ एनर्जी है जो सन से अर्थ तक पहुंचती है। जब वो फोटोन उस सेमीकंडक्टर की प्लेट के ऊपर गिरता है तो जो उस फोटोन की एनर्जी लेकर एक इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से जंप आउट कर देता है बाहर की तरफ। तो फ्रेंड जब वो इलेक्ट्रॉन जंप आउट करता है तो वहां पे एक होल बन जाता है। उस होल को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है दूसरी साइड से उस होल की तरफ। तो फिर इसे समझने के लिए हम बात करें, अगर हम बहुत सारे बच्चों को धूप में बाहर बिठा दें तो जैसे गर्मी बढ़ेगी वहां से बच्चे उठने स्टार्ट हो जाएंगे। हम उन बच्चों की जगह जो बच्चे उठ के बाहर जा रहे हैं उनकी जगह दूसरे बच्चे को बिठा दें तो क्या होगा, एक तरफ से बच्चे जाते रहेंगे दूसरी तरफ से बच्चे आते रहेंगे। तो फ्रेंड बस यही प्रोसेस उस टाइम उस सेमीकंडक्टर के साथ भी होती है। जब फोटोन उस सेमीकंडक्टर की प्लेट के ऊपर गिरता रहता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप आउट करते रहते हैं और उसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन उन होल को फिल करते रहते हैं। तो फ्रेंड हमें पता है जब भी किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होती है। तो इसी प्रकार को सोलर पैनल चेंज करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो फ्रेंड इसी प्रकार हम सोलर एनर्जी को किसी और फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोलर एनर्जी की हीटिंग इफेक्ट को यूज करें अपने काम के लिए, जैसे कि हम यूज करते हैं सोलर वाटर हीटर। तो फ्रेंड अगर मैं सोलर एनर्जी की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज की बात करूं तो यह है कि जो उसकी जो सोलर एनर्जी है वो एक पॉइंट में केंद्रित नहीं है, वो पूरे अर्थ में फैली हुई। तो फ्रेंड उसी एनर्जी को केंद्रित करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटर यूज करते हैं। उसी में मैं जो तीन प्रकार के जो तीन टाइप के मेन कॉन्सेंट्रेटर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला कॉन्सेंट्रेटर है उसे बोलते हैं फ्लैट टाइप या बैट टाइप कॉन्सेंट्रेटर। तो फ्रेंड वो नॉर्मल एक रेक्टेंगल प्लेट होती है जिसके ऊपर गिरने वाली एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखी चीजों को गर्म करता है। तो फ्रेंड उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेंट्रेटर है वो है सिलेंड्रिकल टाइप कॉन्सेंट्रेटर। तो फ्रेंड जो सिलेंड्रिकल टाइप कॉन्सेंट्रेटर होता है वो अपने ऊपर गिरने वाली रेस को एक लाइन में फोकस कर देता है। तो फ्रेंड ये जो कॉन्सेंट्रेटर है ये हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जब हमें कोई लिक्विड या किसी चीज को गर्म करना होता है तो उसके फोकस पॉइंट पर हम एक पाइप रख देते हैं। तो फ्रेंड वो सिलेंड्रिकल टाइप कॉन्सेंट्रेटर उसमें गिरने वाले सारे रेस को उस पाइप की तरफ फोकस कर देता है और पाइप से फ्लो होने वाला लिक्विड गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेंट्रेटर है उसे बोलते हैं पैराबोलिक टाइप कॉन्सेंट्रेटर या पैराबोलिक डिश। पैराबोलिक टाइप कॉन्सेंट्रेटर होता है वो अपने ऊपर गिरने वाली सारी की सारी सोलर रेस को एक पॉइंट में फोकस कर देता है जिसे हम उसका फोकस पॉइंट कहते हैं। तो फ्रेंड उस फोकस पॉइंट में हम कुछ भी चीज रखकर उसे गर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज होते हैं जहां पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाती, एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाती और वो जगह में गर्मी काफी अच्छी पड़ती है, वहां पे हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है सोलर कुकर। तो फ्रेंड वो जो सोलर कुकर है वो बेस है पैराबोलिक टाइप कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर, जो उसमें डिश होती है वो पैराबोलिक डिश होती है जो सारी सारे रेस को एक फोकस पॉइंट पे फोकस करती है, जो सारी सारी रेस को कॉन्सेंट्रेट करती है फोकस पॉइंट पे। उस फोकस पॉइंट में हम अपना कुकिंग यूटेंसिल जो खाने। तो फ्रेंड ये थे हम किस किस टाइप से सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो, तो फ्रेंड वैसे तो सोलर एनर्जी के बहुत सारे एडवांटेज है, पर मैं कुछ मेन एडवांटेज के बारे में बात करूंगा। जैसे पहला एडवांटेज है, हमें कोई भी एनर्जी यूज करते हैं, अगर हम कोई भी एनर्जी यूज करते हैं तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे यूज करने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। उसके बाद जब मैं बात करूं, जो सोलर एनर्जी है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, अगर हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद जो उसका तीसरा एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है, अगर हम कोई भी एनर्जी यूज करें तो कम होती रहती है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो हम कितने भी यूज करें और कितने सालों तक भी यूज करें उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। फ्रेंड अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला सबसे मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो सोलर एनर्जी है ये एक पॉइंट में फोकस नहीं है, ये बिखरी हुई है पूरे अर्थ में, तो इसे यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो दूसरा डिसएडवांटेज बताऊं तो ये है कि जो ये सोलर एनर्जी है ये कांस्टेंट एनर्जी नहीं है, ये चेंज होती है, तो इसे हम कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंड होता है मौसम के ऊपर। अगर किसी दिन मौसम अच्छा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन बरसात का मौसम है या किसी दिन धूप कम हो तो जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। और फ्रेंड तो फ्रेंड जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, अगर आप इसे वाटर हीटर की तरह यूज करते हो तो ये आपके पानी एकदम से गर्म नहीं करेगा, इसके जो रिजल्ट आते हैं वो आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप अगर हम वही चीज कन्वेंशनल तरीके से करें तो हमें जल्दी रिजल्ट देती है, लेकिन सोलर एनर्जी में एक डिसएडवांटेज है जिसमें जब हमें रिजल्ट मिलता है वो थोड़ा लेट मिलता है। अगर आप खाना बनाए कुकिंग करें तो आपको खाना है जो कन्वेंशनल तरीका है एलपीजी से उसे थोड़ा लेट बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहे इसके कुछ डिसएडवांटेज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो